जय श्री राम। संसार के सभी व्यक्ति सुख और शांति चाहते हैं और विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति करता है उसका एक ही मुख्य लक्ष्य होता है कि उसे सुख मिले। अब व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई भी राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो भी यही चाहता है। और सिर्फ एक राष्ट्र की बात अगर ना करें तो संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। और प्रतिवर्ष इसको एक आयोजित भी किया जाता है नोबल पीस के रूप में। हर साल किसी ना किसी एक व्यक्ति को नोबल अवार्ड जो दिया जाता है, नोबल पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए। सभी लोग अपने विवेक के अनुसार इसके लिए चिंतन करते हैं कि भाई विश्व में किसी भी तरह के से तो शांति हो जाए। अब सब लोग चिंता करते हैं पर कोई सर्वसम्मत मार्ग नहीं मिलता। इसका अर्थ ये होता है कि दुनिया के लोग जिन उपायों पर विचार कर रहे हैं उनमें सार्थकता तो है लेकिन परिपूर्णता नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो नोबल पुरस्कार लोगों को मिलता है वो व्यर्थ है। उसमें जब व्यापकता ही नहीं है, उसमें परिपूर्णता ही नहीं है तो शांति स्थापित कैसे होगी। भारत के पास एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसके द्वारा केवल एक शहर में नहीं, केवल एक राष्ट्र में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो आपके सामने पेश है महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग का पथ। ये कोई मतपंथ या संप्रदाय नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है, एक कला है। अगर संसार के लोग वास्तव में इस बात को लेकर गंभीर हैं कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए तो इसका एकमात्र समाधान सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योग का पालन करना है। अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्ति जो है वो सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसका जागरण कर सकता है, बौद्धिक जागरण कर सकता है, मानसिक शांति जो है वो स्थापित कर सकता है, आत्मिक आनंद की अनुभूति उसको हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, समझिए, आपको ये तो हर जगह मिल जाएगा कि अष्टांग योग होता क्या है लेकिन बताएगा ये कोई नहीं कि अष्टांग योग करना कैसे है, इसको किस तरीके से पालन करना है, कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, अष्टांग योग पर परिपूर्णता या कह लो कि सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे क्योंकि स्वयं में वो इतने जागरूक नहीं है। अब जो है हम कोशिश करेंगे संक्षेप में इस अष्टांग योग के संबंध में बताने का। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे अष्टांग मतलब आठ अंग, तो अष्टांग योग मतलब योग के आठ अंग। और उन आठों के नाम आपको पता होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि के बारे में हमने वीडियो पहले ही बना दी है। खैर, हमने उसको अष्टांग योग के एक रूप के बारे में नहीं समझाया, हमने सिर्फ ये समझाया कि समाधि क्या होती है और समाधि में कोई कैसे अनुभव करता है। परंतु कोई बात नहीं, ये जो है ये योग के आठ अंग होते हैं महर्षि पतंजलि ने जिनका वर्णन किया है। अब एक एक करके विस्तार से हर एक अंग के बारे में, हर एक चरण को आपको जो है समझाएंगे, जिस पर अलग अलग वीडियो बनेगी। तो ये जो आठ अंग हैं, इन सब योगांगों का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ये अष्टांग योग केवल योगियों के लिए नहीं है बल्कि कोई भी व्यक्ति जीवन में स्वयं अगर पूर्ण सुखी होना चाहता है और प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहता है, उन सब के लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। अष्टांग योग धर्म, अध्यात्म, मानवता और विज्ञान की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। इस दुनिया के जितने भी आपसी संघर्ष हैं उनको यदि किसी उपाय से रोका जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योग है। इस योग में जीवन के सामान्य व्यवहार से लेकर ध्यान से या समाधि से, इन सब के सहित अध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं तक जाना जो है संभव है। और एक सभी योगों का समावेश, एक अनुपम समावेश इन आठ अंगों में है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में लगा हुआ है,
वो जानना चाहता है खुद को, खुद के मार्ग को, परमात्मा को तथा जीवन के पूर्ण सत्य को परिचित होना चाहता है, उसे अष्टांग योग का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यम और नियम अष्टांग योग के मूल आधार हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यम की, जो इसका सबसे पहला अंग है। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम, और इसका मतलब है यमु ऊपर में। इसका और संक्षिप्त अर्थ अगर हम बताएं तो यमयन्ते ऊपर, यमयन्ते निर्वयन्ते हिंसादिव्य इंद्रियाणि यस्ते यमा, यानी कि जिनके अनुष्ठान से इंद्रियों और मन को हिंसादि अशुभ भावों से हटाकर खुद पर आत्म केंद्रित किया जाए वो यम होते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन यमों की जो परिगणना करी है वो पांच हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्ते, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। ये पांच यम होते हैं। अब ये जो पांच यम हैं इनको भी यहाँ बारी बारी से संक्षेप में वर्णन आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा मकसद बहुत ही साफ है कि जो भी चीज बताई जाए वो पता हो, रियल नॉलेज होनी चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। तो पहला जो यम आता है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ जो है हम सभी जानते हैं, ठीक है, किसी प्राणी को अगर हम मन वचन या कर्म से कष्ट ना दें वो अहिंसा होती है। मन में भी किसी का अहित ना सोचें, किसी को कटु आदि के द्वारा भी कष्ट ना देना, या कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन, किसी भी घड़ी, किसी भी प्राणी को हिंसा ना करना, प्राणी मात्र से आत्मबल से बहुत प्रेम करना, संपूर्ण सृष्टि के प्रति मित्रता का भाव रखना, दया की करुणा की दृष्टि रखना, यही जो है यथार्थ रूप में अहिंसा का मतलब होता है। तो महर्षि व्यास जी भी कहते हैं कि सत्य जैसा देखा सुना तथा जाना हो वैसा ही शुद्ध भाव मन में हो, ठीक है। तो आजकल आप देख रहे होंगे हर तरीके से चारों तरफ अहिंसा फैल रही है, और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो अहिंसा का तो कहीं दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं, तो शांति भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये अहिंसा थी। दूसरा जो आता है सत्य, दूसरों के प्रति ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें छल कपट हो या भ्रांति पैदा हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो, बल्कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख ना पहुंचे। हमें याद है महाराज जी बोला करते थे कि झूठ जो है वो पाप नहीं है, झूठ महापाप है। अगर किसी की जीविका यानी कि किसी की नौकरी अगर बचती है वहां अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप में नहीं शामिल होता, ठीक है। तो सिर्फ एक ही जगह झूठ बोला जा सकता है और कहीं नहीं। महाराज जी से मेरा तात्पर्य है परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, ठीक है, हम उन्हीं को महाराज जी बोलते हैं। तो उनकी वाणी बहुत सत्य है। तो ये दूसरा यम था, यानी कि सत्य बोलना है। पहला था अहिंसा नहीं करनी है। तीसरा है अस्ते। अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना, दूसरों की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार करना, या शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं का ग्रहण करना, ये सब चोरी में ही आता है। दूसरों की वस्तु को प्राप्त करने की मन में जो लालसा होती है वह भी चोरी होती है। इसलिए योगी पुरुष को ना तो चोरी करनी चाहिए ना ही किसी से करवानी चाहिए, बल्कि सात्विक व पूर्ण पुरुषार्थ से तथा भगवान के कर्मफल व्यवस्था के अनुरूप या प्रकृति के विधान से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंदित रहना चाहिए। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। काम वासना को उत्तेजित करने वाले जो खान पान हैं और श्रृंगार आदि हैं इनका परित्याग करना चाहिए। वीर्य की रक्षा करते हुए जीना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। मैथुन या वासना की दृष्टि से किसी का दर्शन, किसी का स्पर्श, एकांत सेवन, भाषण या विषय कथा, विषय का ध्यान,
या किसी का संग, ये 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। ब्रह्मचारी को इनसे बचते हुए सदा जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त इंद्रियां यानी कि आँख, कान, नाक, त्वचा और रस, इनको बहुत शुभ और प्रेरित करते रहना चाहिए। मन में हमेशा भद्र और सुविचार होना चाहिए, शिव संकल्प रखना चाहिए। साधक को सदा ही अपने मन में इस विचार को रखना चाहिए कि उसका स्वभाव बहुत विकार रहित है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, पानी जो होता है उसका गुण शीतलता है, उसका गुण बहना है। ये गुण जो हैं इसके, ये स्वाभाविक हैं। लेकिन अगर आप पानी को जमा दो या उसको गर्म कर दो, गर्म करने पे जो भाप बनती है, भाप बन के उड़ जाती है, ये जमाना और गर्म करना या फिर वाष्प बनना, ये इसके स्वाभाविक गुण नहीं है। ये होने के बाद भी वापस से ये दोबारा से पानी ही बनेंगे, है ना। वापस अपने स्वाभाविक अवस्था में वो जल लौट आता है, चाहे आप उसे जमा दो या फिर उसे भाप बना दो। इसी तरह ब्रह्मचर्य भी जो है हमारा स्वाभाविक अवस्था है हमारी। कभी शांत एकांत स्थान पर बैठकर चिंतन करना और अपने भीतर देखना, कहीं वासना है क्या, क्या आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हैं क्या, तो आप पाएंगे कि आप में ये विकार स्वाभाविक रूप में तो नहीं है, परंतु ये आपके ऊपर इतने हावी हैं कि आप इनमें रम चुके हो। इन विकारों को आप आमंत्रित करते हो, इनको पैदा करते हो। तो ये विकार चोरों की तरह हमारे शरीर में आते हैं और थोड़ी ही देर ठहरते हैं, तथा उतनी ही देर में हमारे शरीर, मन और आत्मा की शक्ति लुट जाती है। सब कुछ बिगाड़ करके ये अपना काम करके भाग जाते हैं। काम क्रोध थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, तथा थोड़ी देर में ये विकार हमारे शरीर को हिलाकर इस तरह भाग जाते हैं जैसे कभी आए नहीं थे। शरीर को शक्तिहीन कर जाते हैं, ओझहीन कर जाते हैं। बहुत से लोगों में बहुत क्रोध होता है, वो जब शांत होते हैं तो वो पछताते हैं कि यार मैंने क्यों क्रोध किया, कुछ देर की तो बात थी। तो ये शरीर में जहर घोल देते हैं। हम बार बार इन्हीं से ही लूटना पसंद करते हैं, ठीक है, इन्हीं को ही कहते रहते हैं, हाँ भाई आ जा हमें लूट लो। तो लूटना अब हमारा स्वाभाविक हो गया है, हम बच नहीं सकते। तो फिर जब आप बच नहीं सकते तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। तो उठो, जागो और अपने स्वाभाविक धर्म, अपने स्वधर्म को पहचानो। विकार आपके स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है, परम धर्म। और गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परमो धर्म भयावह, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन विकारों की भट्टी में अब अपने आप को और अधिक नहीं जलाओ। आप आत्मा हैं, आपके स्वाभाविक गुण हैं मित्रता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, समर्पण किसी के प्रति, परोपकार करना, आनंद में रहना और शांति स्थापित करना। आप निर्विकार हैं। विकारों को तो हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, ऐसे ही जैसे कि कोई धन संपत्ति या वैभव को संचित करे और फिर चोरों को आमंत्रित कर दे, और फिर जब चोर हमारे ही मकान, हमारी ही जमीन, हमारे ही महल में कब्जा करके बैठ जाएं, सब संपत्ति लूट लें और हम ठगे से खड़े रहकर वहां देखते रहते हैं, और फिर बाद में चिल्लाएंगे, हाय मेरा तो सब कुछ लूट गया, ये क्या हुआ, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं था, सब बर्बाद हो गया, है ना। तो लेकिन मनुष्य जो है बाहर की संपत्ति को लुटाने के लिए चोरों को स्वयं जो है आमंत्रित करता है, उस चीज को रोकना पड़ेगा। निमंत्रण जितना दिया है दे दिया, आगे नहीं देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ब्रह्मचर्य था, ठीक है। पांचवा जो यम आता है वो है अपरिग्रह। पर्या का अर्थ है चारों ओर से इकट्ठा करने का प्रयत्न करना। इसके विपरीत जीवन जीने के लिए न्यूनतम, बहुत ही कम धन, वस्त्र आदि पदार्थों का या मकान से संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य यानी कि ईश्वर की आराधना करना ही अपरिग्रह है। साधक या प्रत्येक विवेकशील बुद्धिमान मनुष्य को इस विचार के साथ जीवन जीना चाहिए कि क्या इसके बिना भी मेरा जीवन जो है मैं निर्वाह कर सकता हूं। किसके बिना? जो भी आपकी कोई इच्छा होगी। मान लो आपको किसी चीज का लालच है, तो आप पहले सोचो कि क्या इसके बिना मेरा जीवन
मैं जी सकता हूँ। एक आपको जीवन का ना सबसे महत्वपूर्ण नियम आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत महसूस होना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको उस समय ना खरीद कर अपने आप को कुछ समय दें, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी हो सकता है। फिर उस 20 दिन के बाद स्वयं से पूछें कि क्या आपको आज उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। 99% आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आप फिजूल खर्ची से बचोगे, इससे आप जो है अपरिग्रह का पालन करोगे, ठीक है, और इससे जो है आपके अंदर विवेकता बढ़ेगी। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा नियम है, जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है कि कोई चीज़ उसी क्षण ना खरीद कर कुछ दिन रुको और तब खुद से पूछो कि 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आपको उस चीज़ की अब ज़रूरत है या नहीं। वरना क्या करते हैं आजकल, पैसा जेब में है, किसी चीज़ की 2 मिनट के लिए भी ज़रूरत पड़ी एकदम खरीद लेते हैं, और फिर बाद में वो चीज़ ऐसी घर में पड़ी रहती है, तो फिजूल खर्ची है। और फिर कहते हैं कि हम अमीर नहीं हैं, हम अमीर नहीं हुए, ठीक है। तो ये मतलब एक छोटी सी बात थी, हम विषय से थोड़ा सा भटक गए, पर जहाँ मन में चीज़ें आती हैं कुछ बताने की तो बता देते हैं। तो सोचना चाहिए कि इसके बिना भी मेरा जीवन चल सकता है या नहीं। यही योगवती है, यही परिग्रह है। इसके विपरीत जो आती है वो भोगवृत्ति होती है, वो उपभोक्तावाद हो जाता है। तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जीवन में जो कुछ भी धन, वैभव, भूमि या भवन, जो भी ऐश्वर्य हमको मिला है, उनका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको कभी अपना नहीं मानना चाहिए। और ये भावना ही अपरिग्रह का पालन करना होता है। तो अगर आप ये पांचों कर लेंगे तो इसका मतलब आप अष्टांग के पहले नियम यम को निभा चुके हैं। भौतिक सुख, बाहर का सुख, साधनाओं की इच्छा साधक को कभी विचलित कर ही नहीं सकती, अगर वो सच्चा साधक है तो, ठीक है ना। तो ये है यम का, यम के 5 हिस्से, अष्टांग योग का पहला नियम जो बता दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो नियम के बारे में आएगी।